हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मुंबई का वेरी फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, और वो भी हम एग्जैक्ट स्ट्रीट स्टाइल में ही बनाएंगे और वही रेसिपी फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वड़ा बनाने के लिए चने के आटे का घोल रेडी कर देंगे। यहाँ पर मैंने एकदम फाइनली पिसा हुआ जो बेसन बोलते हैं वो ले लिया है। उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। यहाँ पे मेरा सेंधा नमक है, इसीलिए आपको इसका कलर ऐसा दिख रहा है। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और आधी से भी छोटी सी चम्मच जितना हम डालेंगे इसके अंदर हींग, आधी चम्मच जितना हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर देना है, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर हम एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर जो बैटर एकदम हमारा पतला हो गया तो वड़े के ऊपर जो लेयर होगा वो उसके ऊपर से निकल जाएगा। आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ बैटर मेरा रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। और जो मैं दिखा रही हूँ इस टाइप का आपको उसे रखना है, नहीं ज़्यादा थिक न ज़्यादा एकदम पतला वाला। तो यहाँ पर हमारा बैटर एकदम रेडी है। लास्ट में अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, इससे फ्लेवर हमारे ऊपर का जो लेयर रहता है उसमें बहुत ही अच्छा आएगा। अब उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम वड़े के लिए जो मसाला रहता है उसे रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून जितना तेल ले लिया है। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए तुरंत उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच जैसे ही हमारी चटकने लगे तुरंत उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताज़ा करी पत्ते ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 से 7 करी पत्ते ले लिए हैं। करी पत्ते डालने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जितनी हींग, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी हो जाए उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, वो भी तीखी वाली है, और उसे बारीक चॉप कर दिया है एकदम अच्छी तरह से। अगर आपकी ज़्यादा तीखी वाली ना हो तो आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम उसकी आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये मसाला जो रहता है वड़ा पाव के वड़े का, उसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है, तो हरी मिर्च हमें अच्छी तरह से लेनी है। अब हम इसके अंदर स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को और हमने जो हरी मिर्च डाली थी उसको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है और उसे मैश कर लिया है। तो अब जो हमारा अच्छी तरह से वो हरी मिर्च और वो सब हमने भुना था उसके अंदर हमें आलू को डाल देंगे। अब आलू को हम अच्छी तरह से 2 से 5 मिनट तक धीमी आँच पर भूनेंगे। ज़्यादा देर तक हमें इस मसाले को नहीं भूनना है, 2 से 5 मिनट तक ही हमें उसे भूनना है। इससे उसका फ्लेवर सारे हरी मिर्च का और जो हमने करी पत्ता डाला था उसका अच्छा सा एक फ्लेवर आलू के अंदर आ जाएगा। लास्ट में इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये मसाले को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, और गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। यहाँ पे हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से वड़े के लिए गोल गोल गोले रेडी कर देंगे। इसे हमें नॉर्मली गोल ही करना है, लेकिन हम बीच में से थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, क्योंकि उसे जब हम पाँव के बीच में रखेंगे तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही लगेगा तो गोल ही, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करना तो बीच में रखते वक्त थोड़ा सा हमें कन्वीनियंट रहेगा और हमारा जो वड़ा है वो ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे गोल गोल सारे गोले मैंने रेडी कर दिए है। और बाहर वो लोग जब वड़ा पाव देते हैं तो उसके साथ वो लोग मिर्च के भजिए भी देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लंबी वाली जो मिर्च आती है इस तरह की, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, उस टाइप की मिर्च को मैंने बीच में से कट करके उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में ऐसे कट कर दिया है। इसको भी हमने ये जो चने के आटे का जो बैटर रेडी किया है उसके अंदर डिप करके इसके भी हम भजिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है।
अब हम वड़े को, हमने ये जो चने के आटे का घोल रेडी किया था उसके अंदर डाल देंगे, वड़े को भी डाल देंगे और जो मिर्च हमने कट की थी उसको भी हम डाल देंगे। और वड़े को हम अच्छी तरह से चारों ओर उसके ये जो चने के आटे का बैटर है वो एकदम नीचे और ऊपर की तरफ एकदम अच्छी तरह से उसका लेयर आ जाए, उस तरह से हमें उसके अंदर उसे डिप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं के वड़े के ऊपर चार ओर मैंने एकदम अच्छी तरह से मेरा घोल आ गया है। अब हम उसे गरम, जो हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और उसके बाद हम उसके अंदर ये डीप किए हुए वड़े और मिर्च के जो भजिए थे उसे हम डालेंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन जैसा कलर आए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को तेल हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा मीडियम कर देना है, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं करेंगे। और जैसे ही नीचे की तरफ से आपको लगे कि देखो आप देख रहे हैं कि एकदम वड़ा हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया है, तो जैसे ही ऐसे ऊपर आ जाए तो उस स्टेज पे हमें उसे उल्टा देना है और दोनों तरफ हम अच्छी तरह से उसे गोल्डन जैसा फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे मिर्च के भजिए और वड़े दोनों एकदम फ्राई होके रेडी है, तो अब हम इसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने वड़ा पाव के लिए दो टाइप की चटनी रेडी की है। ये हमारी नॉर्मल हम जो ग्रीन चटनी रेडी करते हैं, हरा धनिया, मिर्च, अंदर थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के वो मैंने रेडी की है, लेकिन इसके अंदर जो हम मिर्च लेंगे वो थोड़ी तीखी वाली लेनी है। और ये वड़ा पाव की जो स्पेशल चटनी रहती है सूखी वाली लहसुन की लाल चटनी वो है, ये मैंने बाहर से नहीं मंगवाई हुई है, ये मैंने घर पे बनाई हुई है। और एक बार इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई करना। ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल की वड़ा पाव की सूखी वाली लहसुन की लाल चटनी है और इसमें सूखा नारियल और लहसुन की वजह से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना ये चटनी आप। तो यहाँ पे ये दो टाइप की चटनी मैंने रेडी की थी और अब पाव को मैंने बीच में से कट कर दिया है। एक तवे के ऊपर मैंने हाफ टी स्पून जितना बटर ले लिया है यहाँ पे, और जो पाव मैंने कट किया था उसे मैं इस बटर के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर दूंगी। एक हम ऐसा रोस्ट किया हुआ बनाएंगे वड़ा पाव और एक वो लोग जैसे बाहर देते हैं ऐसे ही नॉर्मल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक को मैंने बटर में रोस्ट कर दिया है थोड़ा तवे के ऊपर और दूसरा जो बाहर देते हैं उस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो उसके अंदर हम पाव की दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। बटर की और चटनियों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हरी वाली हमने जो चटनी रेडी की थी वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पाँव के दोनों तरफ ग्रीन चटनी को अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से दोनों पाँव पे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे लाल वाली जो लहसुन की हमने चटनी रेडी की थी वड़ा पाँव की स्पेशल, वो मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये चटनी आपको दिख रही होगी कि क्वांटिटी में ज़्यादा डाल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है और उसके हर सूखे नारियल का और लहसुन का जो फ्लेवर है उससे वड़ा पाव बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार चटनी इस टाइप की बना के वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ लाल चटनी भी अप्लाई की और ऊपर से थोड़ा सा मैंने वड़े के ऊपर भी लाल चटनी को डाला है। अब जो पाव मैंने रोस्ट किया था उसको मैं फिर से ऐसे तवे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे गरम कर रही हूँ। तो वड़ा पाव हमारे एकदम यहाँ पे रेडी है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना इस चटनी के साथ, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब यहाँ पे मैंने उसे आप देख सकते हैं कि मिर्च के भजिए रेडी किए थे उसके साथ सर्व किया है और थोड़ी सी जो तीखी वाली नहीं रहती है ऐसी मिर्च को मैंने फ्राई कर दिया है। अगर आपको ये वड़ा पाव की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।